नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। वक्त है टॉप न्यूज का। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हाथरस, पुलिस लाइन में अधिकारियों और मंत्रियों से लिए हादसे की पूरी जानकारी। मंत्री संदीप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। सीएम योगी हाथरस के सरकारी अस्पताल पहुंचे, हाथरस सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात का जाना हालचाल। हाथरस हादसे पर राज्यसभा में रखा गया मौन, सांसदों ने पीड़ितों के साथ जताई संवेदना, मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा फरार, तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा समेत 8 जगहों पर छापे। हाथरस सत्संग हादसे पर भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज, मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा। पुलिस FIR में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश भी कार्यक्रम के कर्ता धरता। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास खेतों से जूते चप्पल और अन्य सामान किया बरामद। साक्ष्य छुपाने के लिए आयोजकों ने फेंके घायलों के जूते चप्पल और सामान। सिकंदरामाऊ के SDM ने हाथरस के DM को भेजी रिपोर्ट, कल सत्संग में हुए हादसे के वक्त मौके पर मौजूद है SDM। हाथरस सत्संग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बनाकर जाँच की मांग की। हाथरस सत्संग हादसे में जांच के लिए अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, मामले में CBI जांच की मांग की। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में मरने वालों की तादाद 121 तक पहुंची, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। हाथरस सत्संग हादसे में शुरुआती जांच में पुलिस का खुलासा, सूरजपाल सिंह नाम के बाबा का असली नाम अलीगढ़, आगरा और राजस्थान है बाबा के तीन ठिकाने। सत्संग स्थल पर मंच के पीछे सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के लिए बनाई गई VVIP व्यवस्थाएं की तस्वीर आई सामने। वाहनों के आवागमन के लिए अस्थायी सड़क पर भी बनाई गई थी। लोगों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे बाबा के प्राइवेट गार्ड, कैमरा पर हाथ मारते हुए दिखेगा। मैनपुरी में स्थित भोले बाबा के आश्रम की तस्वीर आई सामने। करीब 21 बीघा भव्य तरीके से बना है आश्रम। बाबा के आगरा स्थित बंद आश्रम में आज भी मत्था टेकते हैं अनुयायी। अनुयायियों के अनुसार हाथरस की घटना में बाबा निर्दोष, बाबा के जाने के बाद हुआ हादसा। आगरा में बाबा नारायण के घर की तस्वीर आई सामने। सरकारी नौकरी के दौरान यही रहता था बाबा, अभी भी महिलाएं रोज आकर करती हैं दंडवत प्रणाम। कासगंज के बहादुर नगर में भी नारायण हरि का आश्रम, यहाँ भी प्रवचन देता रहा बाबा। हाथरस CMO मंजीत सिंह ने हाथरस में 34 शव के पोस्टमार्टम होने की दी जानकारी। कहा, हाथरस में 10 लोगों का इलाज जारी, सभी की हालत स्थिर। हाथरस भगदड़ में बदायूं जिले के भी कई लोगों की मौत, सत्संग में बदायूं से भारी संख्या में पहुंचे थे लोग। बदायूं के DM ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। आगरा के CMO के अनुसार आगरा में 21 शव का हुआ पोस्टमार्टम, 17 शव की पहचान, एक शख्स का इलाज जारी। अलीगढ़ के SP और ADM के मुताबिक अलीगढ़ में अब तक 34 शवों का हुआ पोस्टमार्टम, कुल 38 शव पोस्टमार्टम के लिए लग गए थे।